हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पादाटी फ्रॉम एनपीएस नुयावली। आप देख रहे हैं एनपीएस नुयावली चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हो। आज का जो हमारा विषय है हिंदी के उत्प्रेक्षा अलंकार का है। आज मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार करवाऊंगा और बताऊंगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, उसकी पहचान क्या है, किस प्रकार वो वाक्य की जो काव्य रचना होती है उसकी सुंदरता में जो है सौंदर्य वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या। उत्प्रेक्षा के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने देखा रूपक के अंदर जो उपमेय और उपमान होता है उनके अंदर अभेद दिखाया जाता है। उपमा के अंदर आपने जाना था कि उपमेय और उपमान होता है उनके अंदर समानता दिखाई जाती है। वहां समानता थी, यहां रूपक के अंदर अभेद था। अब जो उत्प्रेक्षा होता है उसमें उपमेय और उपमान के अंदर क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना देखी जाती है, यानी ऐसा माना जाएगा कि ऐसा हो सकता है। पक्का नहीं होता इसके अंदर कि वही चीज हो, लेकिन एक संभावना या कल्पना हम कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी परिभाषा। जहां अत्यंत समानता के कारण, जहां अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना देखी जाए, यानी जिसकी तुलना की जाती है और जिसके साथ तुलना की जाती है उन दोनों के अंदर एक समानता की संभावना देखी जाती है। यहां पर यह नहीं होता है कि उपमेय ही उपमान है या उपमेय उपमान जैसा है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ऐसी संभावना की जाती है, ऐसी कल्पना की जाती है कि उपमेय उपमान के जैसा हो सकता है, मतलब ऐसी कल्पना की जाती है या उसके अंदर कल्पना की जाए। तो ये थी इसकी परिभाषा उत्प्रेक्षा अलंकार की। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक और ही माध्यम रहता है, वो होता है उसका वाचक शब्द। वाचक शब्द इसमें क्या होते हैं, इसमें जैसे मानो आ गया, मनो आ गया, मनु आ गया, जानो आ गया, जनो आ गया, जनो आ गया, ये वाचक शब्द है जो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान रहती है, उसको पहचानने में आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। यानी हर काव्य रचना की जो उत्प्रेक्षा अलंकार की होगी उसके अंदर ये जो वाचक चिन्ह है ये आपको मौजूद मिलेंगे, इनको देखकर आप इसकी पहचान कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार इन वाचक चिन्हों का या वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनके अंदर, और किस प्रकार जो संभावना या कल्पना की जो मैं बात कर रहा हूं वो की जाती है। तो देखिए पहला उदाहरण अपना, लंबा होता ताड़ का वृक्ष मानो नभ छूना चाहता हो। अब पहले तो देखो इसके अंदर मानो आ गया, तो मानो मनो जनु जानो ये सब क्या थे, इसके जो वाचक शब्द थे उसकी पहचान थी। यहां से हम क्लियर हो जाते हैं कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब संभावना या कल्पना कैसे की जाती है, तो वो देखिए, लंबा होता ताड़ का वृक्ष, अब ताड़ का वृक्ष उसके बारे में कवि कल्पना करता है, क्या करता है कि जैसे वो नभ छूना चाहता हो। ऐसा कोई वृक्ष नहीं आज तक दुनिया के अंदर जो नभ को छू सके, यानी आकाश को या आसमान को छू सके, लेकिन जो ताड़ का वृक्ष होता है उसकी लंबाई इतनी ज्यादा होती है, वो इतनी स्पीड से बढ़ता है, अपनी ग्रोथ करता है कि उसकी उस बढ़ोतरी को देखकर जो कवि होता है वो उसके अंदर एक कल्पना कर बैठता है, उसके अंदर एक संभावना देखता है कि ऐसा लगता है जैसे मानो ये वृक्ष लंबा होकर आसमान को छूना चाहता हो। तो यहां पर कल्पना की गई है किसके, ताड़ के वृक्ष से की गई, किससे, नभ को छूने से। अब वो नभ को छू नहीं सकेगा लेकिन ऐसी कल्पना की गई, ऐसी संभावना देखी गई है। अब दूसरा एक उदाहरण और देख लीजिए, उस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें सोहत और डे पट पीत, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सोहत और डे पीत पट सयाम सलोने गा मनो नीलमणि सेल पर
प्रयोग प्रभात। अब ये पंक्तियां देखिए इसके अंदर कि सुवत ओडे पटपीत श्याम सलोने का मनोनीलमणि सेल पर अथक प्रयोग प्रभात। इसके अंदर कवि क्या कहना चाहता है, कवि ब्याल जी कहना चाहते हैं कि सोहत, सोहत का मतलब होता है सुशोभित होना, सुंदर लगना, ओडे मतलब पहनना कह सकते हो आप, ओढ़ना कह सकते हो, पट मतलब वस्त्र होता है, पीत मतलब पीले रंग के, कि जो पीले रंग के वस्त्र ओढ़े हुए या पहने हुए हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं किसके, श्याम सलोने का। श्याम यहां श्री कृष्ण को कहा गया है, सलोना सुंदर, गाल उसका जो शरीर है यानी उसका जो सांवला शरीर है, श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है उसके ऊपर जो पीले वस्त्र है उतने सुशोभित लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, जैसे कैसे उसके साथ कल्पना किसकी की गई, कल्पना की गई नीलमणि, नीलमणि शेल, शेल का मतलब यहाँ का है, शेल का मतलब यहाँ पर्वत है, यानी नीलमणि पर्वत पर, यानी नीलमणि का मतलब नीली मणियों का जो पर्वत होता है जहां पर नीली मणियां होती है उस पर्वत पर, जब आत्म का मतलब यहाँ पर सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश कह सकते हो, प्रयोग गिरना होता है प्रभात यानी सुबह का, जब सुबह सूर्य जो निकलता है, जो सूर्य का जो प्रकाश उन नीलमणि पर्वत के जो नीलमणियों का जो पर्वत होता है उस पर गिरता है, तो उस नीलमणियों पर जो जो पीले रंग का जो प्रकाश गिरता है सुबह सुबह का, उस प्रकाश के गिरने से किस प्रकार का जो नजारा होता है उस नजारे को देखकर उसकी कल्पना की गई है, किसके साथ कल्पना की गई है, श्री कृष्ण के जो सांवले रंग पर जो पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं तो वो किस प्रकार लगते हैं वो इसमें जो है क्या की गई है, कल्पना की गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार कवि ने, अब इसके अंदर ये जो आपका वाचक शब्द था वो भी आया है, मनो, मनो मनु जानो जनु, ये सारे क्या इसके वाचक शब्द, ये भी इसकी पहचान रहती है। दूसरी बात, आप जब इसको पढ़ोगे और समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर किस प्रकार जो कवि है उसने कल्पना की है। चलो आगे देखिए, तीसरा उदाहरण देखिए, आप समझने की कोशिश करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को। उसका मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उस काल यानी उस समय मारे क्रोध के, एक व्यक्ति होता है उसको इतना क्रोध आ जाता है कि उसके क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से तन यानी उसका शरीर कांपने लग जाता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो कई व्यक्तियों की ये उसके शरीर की इस प्रकार की क्षमता होती है कि वो कांपने लग जाते हैं, उनका शरीर है क्रोध के मारे है जो कांपने लगता है। अब उसकी जो कल्पना किया संभावना किसके साथ की गई, देखिए, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर का, जब एक शांत सागर होता है उसका पानी होता है वो एक जगह शिथिल होता है, लेकिन जब वहां हवा चलती है, तेज हवाएं चलती है या जो हवाओं का वेग तेज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उस पानी के अंदर ना एक कंपन पैदा हो जाती है, वो पानी हिलने लगता है, जिस प्रकार वो सोते हुए सागर का पानी हवा के जोर से हिलने लगता है, वही कल्पना कवि ने किसकी कर दी, उस व्यक्ति की जिसको क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगता है। यानी जब हवाएं नहीं चलती है तो सागर होता है बिल्कुल शांत होता है, पानी स्थिर होता है, वो नहीं हिलता, लेकिन जैसे ही हवाएं चलने लगती है, हवाओं का वेग तेज होता है, तो जो सागर होता है उसका जो पानी है उसमें थर 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 ऐसे क्या होती है, एक कंपन की आवाज, जो कंपन है वो दिखाई देता है, यानी पानी हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार उसकी कल्पना उस व्यक्ति के क्रोध के साथ की गई है, एक व्यक्ति होता है उसका, वो जब तक शांत होता है उसका शरीर नेचुरल होता है, बिल्कुल स्थायी होता है, लेकिन जैसे उसको गुस्सा आता है वो कांपने लग जाता है। तो ये मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की आपको, एक उदाहरण चलो आप और करते हैं, उससे भी आप समझने की कोशिश करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कहती हुई
चित्रा के कहते हुए, कोई नहीं हुए लिखेंगे, कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए। हीन के कामों से पूर्ण मनो हो गए पंकज। अब ये क्या कर, इसमें क्या कह रहे हैं, कहती हुई उत्तरा, उत्तरा जो एक औरत का नाम है, वो कुछ अपने दुख के बारे में किसी को बताती है। जब अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करती है तो अपने उस दुख के मारे क्या होते हैं, उसके नेत्र है जो जल से यानी अश्रुओं से, आंसुओं से भर जाते हैं। उत्तरा नाम की जो औरत है वो अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करती है, जब वो उसका दुख व्यक्त करती है उस समय उसकी आंखें क्या होती है, वो पानी से भर जाती है यानी आंसुओं से भर जाती है। और वो किस प्रकार लगती है, जैसे हिम, हिम का मतलब यहाँ पर क्या है, बर्फ है, बर्फ के कणों से, कणों का मतलब बर्फ की जो छोटी छोटी कंगियां होती है उनके, उनसे पूर्ण, पूर्ण यानी पूरी तरह, मानो हो गए पंकज रहे। पंकज का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमल के फूल से है, कमल की जो फूल की पंखुड़ियां होती है उस पर जब हिम के कण गिरते हैं तो वो किस प्रकार चल चला जाती है, वही नजारा किसको देखने का मिलता है जब उत्तरा अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करती है तो उसकी आंखें हैं वो पानी से इस प्रकार भर जाती है। उस पानी की चमक है वो कैसी लगती है, ऐसे लगती है जैसे किसी जो पंकज यानी जो कमल का फूल है उसकी पंखुड़ियां जो पूरे हिमकणों से भर गई हो, इस प्रकार की उसमें कल्पना की गई है। तो यहाँ पर कल्पना भी की गई है, इस चीज को भी समझना, और साथ में हमने क्या देखा, इसमें हमारा जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है उसको भी अपन देखेंगे, उससे हम इस चीज को पता करेंगे कि हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब एक तो ये थी अपनी आज की जो उत्प्रेक्षा अलंकार की वीडियो, मैंने इसमें उदाहरण परिभाषा सारे तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी, उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो उनसे, आपको उचित उसका उत्तर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट्स करना, और हमारे जो एनपीएस नुया वाली जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। आज के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।